हेलो माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर मैक्स क्लास ग्रेड वन सो स्टूडेंट्स एज यू नो करंटली वी आर डूइंग चैप्टर नंबर फाइव दैट इज़ नंबर्स फ्रॉम इलेवन टू ट्वेंटी टुडे वी आर गोइंग टू डू वन न्यू कॉन्सेप्ट इन चैप्टर नंबर फाइव कंपैरिजन ऑफ नंबर्स अप टू ट्वेंटी आज हम नंबर्स को कंपेयर करना सीखेंगे ट्वेंटी तक सो so, ये कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर टू में भी सीखा था वहाँ हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ज़ीरो से टेन तक सीखा था सो so, अभी हम कंपेरिजन ऑफ नंबर्स ट्वेंटी तक सीखेंगे यहाँ लिखा हुआ है द नंबर्स ज़ीरो टू ट्वेंटी आर शोन ऑन द नंबर लाइन सो यहाँ एक नंबर लाइन दी हुई है स्टूडेंट्स उस पे जीरो से ट्वेंटी तक नंबर्स शो किए हुए हैं पहले जीरो फिर वन दैन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ऐसे जीरो से ट्वेंटी तक नंबर लाइन में नंबर शो किए हुए हैं सो द नंबर डेट इज़ अवे स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है टी एच ई द एन यू एम बी ई आर नंबर टी एच ए टी डेट इज़ आई एस इज़ अवे आपको पता है अवे मतलब दूर सो द नंबर डेट इज़ अवे अवे मतलब दूर फ्रॉम जीरो जो भी नंबर जीरो से दूर है ना ऑन द नंबर लाइन इज ग्रेटर वो नंबर ग्रेटर हैं बड़े ग्रेटर मतलब बड़े सो so, जब भी हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे ना जो नंबर ज़ीरो से दूर होगा वो बड़ा एंड सेकेंड लाइन में है द नंबर क्लोज़र टू जीरो ऑन द नंबर लाइन इज स्मॉलर जो भी नंबर ज़ीरो के क्लोज़र ज़ीरो के जो भी नंबर क्लोज़र क्लोज़र मतलब बाजू में नियर ओके okay? So, जो भी नंबर ज़ीरो के बाजू में होंगे वो छोटे नंबर्स होंगे स्मॉलर नंबर्स होंगे सो so, हमने यहाँ पे ज़ीरो से ट्वेंटी तक नंबर लाइन देखी एंड हमने सीखा जो नंबर ज़ीरो से अवे अवे मतलब फार भी हो सकता है जो दूर हैं वो बड़े हैं एंड जो नंबर ज़ीरो के पास हैं वो छोटे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज टू करेंगे सो थैंक यू